Hello everyone, in this lecture we are going to discuss our second page replacement algorithm, that is least recently used. We have already discussed about first in first out in our previous lecture. So let's understand what is LRU. LRU works on the principle of least recently used. It replaces the page that has not been referred by the CPU for the longest time. इस चीज़ को एक बार हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करके देखते हैं कि LRU की वर्किंग क्या होती है. क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है और नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है कि कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हमारे मेन मेमोरी में अवेलेबल है. हमें पेज फॉल्ट्स निकालने हैं. जो भी डेटा था हमने उसको एज इट इज लिख दिया, जो भी स्ट्रिंग थी हमने उसको इस तरीके से लिख दी. हमारे पास तीन फ्रेम्स थे तो हमने तीन फ्रेम बना लिए, फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1 एंड फ्रेम नंबर 2. तो टोटल कितने हो गए? 3 फ्रेम्स हो गए. अब हम देखते हैं कैसे रिप्लेसमेंट होता है. सीपीयू ने 1 डिमांड किया, हमने 1 सर्च किया, नहीं था. क्योंकि नहीं था तो क्या कर हो गया? पेज फॉल्ट. जब भी सीपीयू कुछ डिमांड करता है और वो वहाँ पे नहीं मिलता उसे, तो हम उसको पेज फॉल्ट बोलते हैं. पेज फॉल्ट के केस में हमें सीपीयू की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो हमें एक पेज को इंसर्ट करवाना होगा. तो यहाँ पे 1 डिमांडेड था तो हमने वहाँ पे 1 स्टोर करवा लिया. नेक्स्ट हमारा कौन सी स्ट्रिंग आई? 2. सीपीयू ने 2 मांगा, 2 था क्या? नहीं था. तो फिर से क्या हुआ? पेज फॉल्ट हुआ. 2 नहीं था तो हमने यहाँ पे इसमें 2 स्टोर करवा दिया. नेक्स्ट सीपीयू ने डिमांड किया 3 को, 3 था क्या? नहीं था. तो हमने यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइन लगाया और यहाँ पे 3 को स्टोर करवा दिया. नेक्स्ट सीपीयू ने डिमांड किया 4, 4 है क्या? सबसे पहली बात 4 नहीं है तो हमने यहाँ पे स्टार का साइन लगा दिया, मतलब हमारे पास पेज फॉल्ट हुआ है. दूसरी चीज़, हमारे पास जगह नहीं है. ठीक है, 4 आप कहाँ स्टोर करवाओगे? आपके पास 3 ही फ्रेम है और 4 आया है तो आप 4 कहाँ स्टोर करवाओगे? तो प्लेस नहीं है. इसके लिए हमें क्या करना होगा? 3, 2 और 1 में से किसी एक पेज को रिप्लेस करना होगा 4 से. हमें यहाँ से 3, 2 और 1 में से किसी एक को हटाना होगा और 4 को वहाँ पे स्टोर करवाना होगा. क्योंकि हम कौन से एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं? LRU की बात कर रहे हैं. तो हम देखेंगे कि सीपीयू ने कौन सा पेज ऐसा था जो बहुत पहले रिफ़र किया था, हम उसको हटाते हैं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम रिफ़र नहीं हुआ है तो 3 जो है वो तो अभी रिसेंटली रिफ़र हुआ है, 2 उसके पहले हुआ था और जो 1 है वो ऐसा पेज है जो बहुत देर पहले सीपीयू ने रिफ़र किया था. तो हम यहाँ पे कौन से पेज को हटाएंगे? 1 को. तो यहाँ पे हमने 1 को हटाया और उसकी प्लेस पे 4 इंसर्ट कर दिया, बाकी 3 और 2 एज इट इज़ रहने देंगे. नेक्स्ट हमारा पेज आया 1. अब हमारे पास 1 है क्या यहाँ पे? नहीं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पेज फॉल्ट लगाया, उसके बाद हमें एक पेज को हटा के 1 को वहाँ पे स्टोर करवाना होगा. तो हमें 3, 2 और 4 में से एक पेज रिप्लेस करना है. हम LRU पे वर्किंग कर रहे हैं तो LRU में क्या होता है, हम वो पेज हटाते हैं जो बहुत देर से रिफ़र नहीं किया है CPU ने. 4 को तो अभी CPU ने रिफ़र किया है तो इसको नहीं हटा सकते. देन आता है 2, तो 2 हमारा यहाँ पे है एंड 3 हमारा यहाँ पे है. तो ऐसा कौन सा पेज है जो बहुत देर से रिफ़र नहीं हुआ है? 2. तो यहाँ से हम 2 को हटाएंगे, 1 इंसर्ट करेंगे, बाकी के 2 पेजेस एज इट इज़ यहाँ पे स्टोर रहने देंगे. नेक्स्ट हमारा जो पेज है वो हमारे 2 की डिमांड आई है. 2 है क्या यहाँ पे? 2 नहीं है तो हमने क्या लगाया? पेज फॉल्ट का साइन लगाया. उसके बाद हमें यहाँ पे एक पेज को रिप्लेस करवा के वहाँ पे 2 को स्टोर करना होगा. तो हमारे पास है 3, 1 एंड 4. LRU पे के वर्किंग है तो वो वाला पेज हटेगा जिसको CPU ने बहुत देर से रिफ़र नहीं किया है. 1 अभी जस्ट रिफ़र हुआ है, 3 यहाँ पर रिफ़र किया गया है एंड 4 यहाँ पर रिफ़र है. तो सबसे पुराना पेज कौन सा हुआ? 3. तो 3 को हमने हटाया, 2, 1 एंड 4 एज इट इज़ स्टोर करवा दिया. नेक्स्ट हमारा जो डिमांडेड पेज आया वो 5 आया. अब क्या होगा? हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 है क्या? नहीं. तो 5 नहीं था तो हमने क्या लगाया? पेज फॉल्ट का साइन. इसके बाद हम 2, 1 एंड 4 में से किसी एक पेज को रिप्लेस करवा के वहाँ पे क्या स्टोर करवाएंगे? 5 स्टोर करवाएंगे. तो हम देखेंगे इनमें से कौन सा पेज है जो बहुत देर से यूज़ नहीं हुआ है. तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो यहीं पे रिफ़र हुआ है, 1 जो है वो यहाँ रिफ़र हुआ है एंड 4 जो है वो यहाँ रिफ़र हुआ है. तो CPU ने 4th पेज को बहुत देर से रिफ़र नहीं किया है तो कौन सा पेज हटेगा यहाँ से? 4th वाला, और इसकी जगह 5 आ जाएगा और बाकी 1 एंड 2 एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी हो जाएंगे. नेक्स्ट हमारा जो डिमांडेड पेज है वो 1 है. अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 अवेलेबल है क्या? तो यस, 1 अवेलेबल है. तो यहाँ पे कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ, हम सेम कॉपी कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट के लिए वर्किंग करेंगे. देन हमारा आया 2. हम फिर से देखेंगे यहाँ पे 2 है क्या? तो यस, 2 ऑलरेडी अवेलेबल है. तो यहाँ पे भी कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ है, हम वर्किंग आगे करेंगे. देन हमारा आया 3.
फिर हम देखेंगे यहाँ पे 3 है क्या, नहीं 3 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ, तो हमने पेज फॉल्ट का साइन लगाया। अब हमें 2, 1 एंड 5 में से किसी एक को रिमूव करके वहाँ पे 3 के लिए जगह बनानी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 यहाँ रेफ़र हुआ है, 1 यहाँ रेफ़र हुआ है एंड 5 यहाँ रेफ़र हुआ है। तो ओल्डेस्ट पेज जो रेफ़र किया था सीपीयू ने वो 5 है, तो हम यहाँ पे 5 की जगह 3 लिख देंगे और बाकी 2 एंड 1 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 आया, हम देखेंगे यहाँ 4 है क्या, 4 नहीं है, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइन लगा। उसके बाद हम 2, 1 एंड 3 में से रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह 4 रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 2 हमारा यहाँ रेफ़र हुआ है, 1 यहाँ रेफ़र हुआ है एंड 3 यहाँ रेफ़र हुआ है। तो ओल्डेस्ट पेज जो सीपीयू ने रेफ़र किया था वो कौन सा है, 1, तो यहाँ पे हम 1 की जगह 4 रखेंगे, यहाँ 2 एंड यहाँ 3 इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास 5 आया, हम देखेंगे 5 अवेलेबल है क्या, तो 5 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 2, 4 एंड 3 में से कौन सा ओल्डेस्ट है जिसको सीपीयू ने रेफ़र किया था, तो यहाँ पे 2 इधर रेफ़र हुआ है, 4 यहाँ रेफ़र हुआ है एंड 3 यहाँ रेफ़र हुआ है। तो ओल्डेस्ट पेज कौन सा है, 3, तो हम यहाँ पे 3 को रिप्लेस करके 5 लिख देंगे और 2 एंड 4 एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स निकालने हैं, तो पेज फॉल्ट्स जो होते हैं वो कितने होंगे हमारे, हम करके देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट कितने हो जाएंगे, 10। अब क्वेश्चन पूछा जाता है पेज फॉल्ट बताइए, पेज फॉल्ट रेट बताइए या फिर मिस रेशियो बताइए। मिस रेशियो और पेज फॉल्ट रेट एक ही चीज़ होती है। पेज फॉल्ट हमारा कितना निकल के आया था, 10, तो हमारा पेज फॉल्ट हो गया 10। पेज फॉल्ट रेट होता है टोटल नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देख लीजिए एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 12, तो पेज फॉल्ट रेट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यही हो जाएगी हमारी मिस रेशियो।